हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम सिंह यादव एंड वेलकम टू भारतीय फूड लैब। तो आज हम बनाने वाले हैं घर का पनीर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पनीर बनाना बहुत ही इजी होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस बता देता हूँ। जो ये हमने यहाँ पे लिया है वो है दूध, जो कि है 1 लीटर, और साइड में जो है वो है नींबू। तो बेसिकली आपको नींबू 1 लीटर के लिए एक नींबू लेना है, एक मीडियम साइज़ नींबू, और उसके अंदर जितना नींबू निकलता है उतना ही आपको पानी भी ले लेना है। दैट मीन्स 1:1 के रेशियो में। मान लो अगर 50 ml नींबू निकलता है एक नींबू के अंदर, तो आपको 50 ml पानी एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। एक बार दूध उबल जाए उसके बाद उसको स्लो कर देना है और धीरे धीरे नींबू का पानी आपको डालना है। चलाना नहीं छोड़ना है आपको, धीरे धीरे बस चलाते रहना है और नींबू का पानी थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते रहना है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा जो दूध है वो फट चुका है। आपको जो फाइनल प्रोडक्ट होगा एकदम थोड़ा सा येलोइश आपको पानी मिलेगा और पनीर एकदम अलग हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपको टेक्सचर मिल जाएगा पनीर का। अगर मान लो आपका दूध पूरी तरीके से नहीं फटा है, तो ये पानी के जगह पे जो आपको येलोइश कलर का पानी दिख रहा है, वहाँ पे आपको वाइट कलर का पानी दिखेगा। तो उसका मतलब ये है कि आपका जो पनीर है वो बराबर फटा नहीं है। जो उसका एग्जैक्ट टेक्सचर है वो कुछ इस तरह का आपको दिख जाता है, जिसमें कि पानी थोड़ा येलोइश दिखता है और वो एकदम अलग हो जाता है, और पनीर आपका कुछ इस तरह का आपको दिखने मिल जाता है। तो बस प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है। कुछ इस तरह का आपको एक मसलिन क्लॉथ में छान लेना है, या फिर आप किसी रुमाल में भी छान सकते हो, या फिर किसी भी पतले कपड़े में आप लोग आराम से इसको छान सकते हो। और छानते वक्त जब आप पूरा पानी छान लोगे, तो थोड़ा सा आपको ठंडा पानी डाल देना है। ठंडा पानी ये काम करता है कि जो प्रोसेस होता है उसका फटने का, उसको स्टॉप कर देता है। और जो आपका खटास होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड करोगे और उसको छान लोगे, तो जो खटास होता है वो भी कम हो जाता है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से रख लेना है। इसके ऊपर कुछ वज़नदार चीज़ अगर आप रख दोगे तो पूरा पानी निकल जाता है। तो कुछ समय के बाद कुछ इस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलता है। आप इसको शेप भी दे सकते हो। और मैं बता दूं कि आप इसको अगर पानी में रखते हो, ठंडे पानी के अंदर रखते हो, फिर नॉर्मल पानी के अंदर रखते हो 1-2 घंटे तक, तो ये और भी सॉफ्ट हो जाता है। और आपने दुकान में देखा ही होगा कि जो पनीर निकालते वो ज़्यादातर पानी के अंदर से निकालते हैं। वो उसका रीज़न ये है कि पानी में रखने से जो पनीर का वज़न है वो थोड़ा सा लाइक 10-20% बढ़ जाता है, और आपका जो पनीर है वो भी सॉफ्ट हो जाता है। फिलहाल हमें जो पनीर चाहिए था वो थोड़ा क्रम्बल टाइप चाहिए था, इसके लिए हमने इसको ज़्यादा डीप फ्रीज नहीं किया, या फिर इसको हमने फ्रीज़र में नहीं रखा था। इसके लिए हमें कुछ इस तरह का पनीर मिल रहा है। आप लोग अगर फ्रिज में रख देते हो तो आपका जो पनीर है वो बहुत ही ज़्यादा ठोस बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग आराम से पनीर बना सकते हो घर पे। बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है। 1 लीटर के लिए 1 नींबू, और नींबू के अंदर जितना भी पानी निकलता है उसके अंदर एडिशनल उतना ही पानी डालना है। और धीरे धीरे करके आपको चलाते हुए, चलाना नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे करके आपको नींबू डालते रहना है उसके अंदर, तो आपका हो जाएगा पनीर तैयार। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग।